नमस्ते, जय माता दी। मैं पूजा महंत हरड़ जनता चौक मोहाली से, और जे की एक मेरा मकान सनियन कलेव में भी है, न्यू सनीचे 125 सेक्टर। तो दिन मैं वीरवार के हूँ। मेरे हमारे यहाँ पे एक किन्नर की डेथ हो गई, रात को 2:30 बजे मैं वहाँ पे चली गई, कुरुक्षेत्र लाड़वा जिला हरियाणा से, आउट ऑफ सिटी। तो अगले दिन शुक्रवार के दिन मेरे बच्चों के उत्ते अटैक होता है, इन्हों किडनैप किया जाता है, 5 घंटे इन्हों किडनैप करके रखे उन्होंने। और उसके बाद शाम को 5:30 बजे इनको खेतों में डाल के चले गए दो जनों को, और साथ के साथ ही मेरे घर पे पुलिस ने दरवाजे तोड़ के एंट्री करी। एंट्री करने के बाद मेरे ड्राइंग रूम में गए, मेरे घर में काम वाली थी, मेरे बुजुर्ग थे जो कि 100 के लगभग हैं उम्र में, बुजुर्ग है बहुत, उम्र ज़्यादा है उनकी, और थोड़ा दिमाग भी उनका बच्चों जैसा है। तो वो घर में थे और एक काम वाली थी, उन्होंने पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि दरवाज़ा खोलो, बोले मालिक घर पे नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं किसी काम से, और वो आ जाएंगे तो कुंडा खोल देंगे। उन्होंने बस इतना कहने के बाद दरवाजे तोड़ दिए, मेन गेट तोड़ा सबसे पहले, उसके बाद एंट्री की थी। एंट्री करने के बाद ड्राइंग रूम में एंट्री हुई। ड्राइंग रूम में एंट्री से पहले तो घर के बंदों से पूछताछ करी, जो एक काम वाली थी उससे थोड़ी सी दबाव डाल के उससे पूछताछ की उन्होंने, उसकी भी वीडियो हमारे पास है। और अंदर जब एंट्री करी उन्होंने उसकी भी वीडियो है। और जब पुलिस वालों ने फिर बाथरूम का, अटैच बाथरूम होते हैं, एक उसका दरवाज़ा ड्राइंग रूम से है मेरे रूम का और बाथरूम का दरवाज़ा, तो उस वहाँ से उन्होंने वो दरवाजे की चटकनी तोड़ के हाथों से गेट तोड़ा उन्होंने, मेन गेट तोड़ा उन्होंने लातों से। उनके बूट के भी निशान है गेट के ऊपर पुलिस वालों के, उनकी CCTV कैमरे की वीडियो भी हैं, और सारे अंदर से वो मेरा गोल्ड वगैरह 2,35,000 रुपये मेरी अलमारी में रखे थे ना, वो मैंने बैंक में डलवाने थे। उसी दिन हमारे घर में डेथ हो गई, गमगीन मौका आ गया, उस करके हमें जाना पड़ा लाड़ में, तो हम वो बैंक में डलवा नहीं पाए। वो भी वो लोग ले गए हैं 2,35,000 रुपये। दूसरा लॉक भी उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, लॉक तो टूटा नहीं, जो स्टैंड होता है कुंडा होता है खींचने वाला वो टूट गया, तो खैर बाहर निकल गए। उसमें से उन्होंने मेरी 2 रिंग, कानों के 3 तोले के टॉपस मेरे कानों के, और 5 तोले की 2 चूड़ी, और 1.5 तोले का मंगलसूत्र, वो भी मेरा मिल नहीं रहा है घर के अंदर से, उसी अलमारी में उसी दराज में वो मेरा सामान था, और वो पैसे थे, वो मेरा आने जाने में, बिरादरी में आने जाने का मेरा अलग से जेवर था। कभी कोई सा पहन लेते हैं, किन्नर लोग हैं, फकीर लोग हैं, आप बच्चों वालों की कमाई पे जीते हैं, यही कुछ है, आप बच्चों वालों के आश्रय पहनने को नसीब फरमाया परमात्मा ने, तो यही है सरकार। आज मैंने जो कॉन्फ्रेंस रखवाई है वो इसीलिए रखवाई है, पुलिस ने ना कि उनको गिरफ्तार करने के बजाय मेरे घर पे हल्ला बोला उन्होंने, जो कि उसमें कुछ सनियन क्लेब की भी पुलिस थी उसके अंदर, और बाकी बलौंगी की पुलिस थी, तो उन्होंने, उनके पास मेरा फोन नंबर भी था। कुछ दिन पहले पिछले महीने 14 मई को एक उन्होंने लड़ाई झगड़ा हुआ था उनके चेले का, डांसर का, मनीत कुमार मनीष्का का, तो उसमें इन्होंने हमारे एक तरफा FIR की, तो हमने उसके ऊपर इंक्वायरी लगाई जो बलौंगी थाने से, डीजीपी सर के आगे हमने फरियाद रखी, वहाँ पे हमने अपनी एप्लीकेशन लगाई और बाकायदा CD वीडियो के प्रूफ के साथ, और उसके बाद उन्होंने SSP सर को मार्क की, SSP सर ने खरड़ DSP मैडम को मार्क की। जब इंक्वायरी लगी हुई थी उस केस में ये किस बिना पे उठाने आए, ना कि उनके पास कोई कोर्ट का ऑर्डर था और ना कोई उनके पास कोई ऐसा कोई ऊपर की कोई दबाव होगा, वो मैं कह नहीं सकती, पर खरड़ पुलिस DSP मैडम से लेके बलौंगी तक सारी पुलिस ज्योति के हाथों बिकी हुई है। एक करुण जैन है जो कि हम जैसे किन्नर समाज के लोगों को ब्लैकमेल करता है, और वो हर वक्त ज्योति, और राजेश मलिक है एक जो कि शिवसेना में है, और शिवसेना की ही आड़ में आज भी वो पुलिस को हाथ में लेके, जो कि सनी एनक्लेव में हर्ष गौतम है इंचार्ज, उनको अपने हाथ में लेके उन्होंने ये वारदात को अंजाम दिलवाया मेरे घर के ऊपर, जबकि मैं घर में नहीं थी, आउट ऑफ सिटी थी, कुरुक्षेत्र लाड़वा गई हुई थी मैं डेथ में, तो मैं रात को 9:30 बजे आई, 9:30 उन्होंने मेरे चेलों पे, जो ड्राइवर लोग दरखास्त भी लिखवाने गए तो उन्होंने एप्लीकेशन भी नहीं लिखी सिटी थाने वालों ने, हल्का जहाँ पे इनको किडनैप किया गया वो हल्का सिटी थाने का ही लगता था, उन्होंने कोई पैरवाई नहीं की। और जब इनको कोई बंदा मोटरसाइकिल पे, इन्होंने बोला हमें थाने में छोड़ दो, उन्होंने कहा मैं थाने में नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने सिविल अस्पताल के बाहर इन दोनों को छोड़ के गए।
खेतों में से उठा के मेरे बच्चों को। तो यही है, इसीलिए कॉन्फ्रेंस कराई है। पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है और इन लोगों से खूब मैं यही खुल्ला खुल्ला कह रही हूँ कि फुल इनका रिश्वत का बाजार चल रहा है, ये इनका रोका जाए। आए दिन हमले हमारे बच्चों पे होते हैं और झूठी FIR भी हमारे खिलाफ होती है, जिसकी जो करवाने वाला कौन है, करुण जैन, राजेश मलिक, जो कि उसने पहले भी मेरे को लिंग परिवर्तन के केस में मेरे गुरुजी को और मुझे जेल करा चुका है और सजा करा चुका है, एरिया लेने के बाद भी मेरे गुरुजी से, उसके बाद भी उन्होंने सजा कराई और उस सजा में हमारी बेल हुई। जिस दिन से बेल हुई है उस दिन से आए दिन अटैक हो रहे हैं, वारदात हो रहे हैं और पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना कि उनको कोई गिरफ्तार कर रही है। कुछ दिन पहले मेरे चेले की उंगली तोड़ी गई तानिया महंत की, 25 लोगों ने हमला किया इसके ऊपर, 20 किन्नरों ने इसको उठा के गाड़ी में डाला, गाड़ी में डाल के इसके साथ बदतमीजी अश्लील हरकतें, खूब इसको रोड़ों से मारा, डंडों से मारा। सिटी थाना में ही पूछना चाहती हूँ, सिटी थाना पुलिस ने मैं इतनी सी इंक्वायरी लगने के बाद भी मेरे घर पे अटैक किया, दरवाजे तोड़े, और जबकि उन्होंने इतनी बड़ी वारदात की, जानलेवा हमला किया, मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की गई तानिया महंत की, उन्होंने जब क्यों नहीं ज्योति के दरवाजे तोड़ के उनको गिरफ्तार किया। वकील साहब कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी ऑलरेडी जो पिटीशन है वो पेंडिंग है कोर्ट में, कोर्ट ने जो है स्टेटस को रिपोर्ट सिटी थाने से मांगी हुई है, पर वो जानबूझकर रिपोर्ट ही नहीं सबमिट कर। नहीं जी, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी करके कॉन्फ्रेंस करवाती हूँ, आप लोगों का सहारा है, पुलिस तो कोई मदद नहीं कर रही है, अपनी खरड़ की पुलिस होने के बावजूद जो किडनैपिंग के सेक्शन से और वो भी नहीं आ रही। आपके क्लाइंट पे बार बार हमले हो रहे हैं, हर बार हो रहे हैं, आप बातों से उलझा देते हैं, मामले को आगे क्यों नहीं लेके जाते? हमने हाईकोर्ट में डाला था सर ये सारा मैटर, हाईकोर्ट ने हमें मजिस्ट्रेट को अप्रोच करने के लिए कहा, हमने सारे प्रूफ लगा के मजिस्ट्रेट के पास भेजा। तो आपका मामला हाईकोर्ट में होने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही? कुछ नहीं हो रहा, जो अबकी बार आप बता रहे हैं आपके घर पे अटैक हुआ, पुलिस ने किया है कि किसी और ने? पुलिस ने एक किन्नर बाहर गाड़ी में बैठ के उनको इशारे से बता रहा है कि ये घर है, तब पुलिस ने वो अंदर उनको, जबकि पुलिस को पता था मैं यहाँ पे नहीं हूँ, बैठ हो गई है हमारे यहाँ किन्नर की, और उस पार्टी को भी पता था मैं यहाँ पे नहीं हूँ। उसी टाइम के अंदर मेरे बच्चों पे भी अटैक हुआ, साथ के साथ पुलिस का अटैक उधर हुआ, बोले उनसे और कह के गए कि चौकी में भेज देना पूजा महंत को। आपका मानना है कि आप ये जो आए दिन हमले पुलिस का भी हाथ, पुलिस का पूरा पूरा हाथ है, 100% हाथ है, और ये करुण जैन और ये राजेश मलिक जिसने पहले भी झूठे केस में जेल कराई, सजा कराई मेरे गुरुजी को। आपने कहा कि आपका पहले भी लिंग परिवर्तन का आपके एलिगेशन जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी मोहाली में आपके जी सर, जी जी जी, उन्होंने भी बड़े गंभीर एलिगेशन लगाए थे लिंग परिवर्तन को, आपको उसमें जेल भी हुई है? वो उस वाले केस में नहीं सर, जोन से वो एलिगेशन लगा रहे हैं मेरे ऊपर, वो मनीत कुमार है, उसका पिंड त्रियुड़ है, और नाम जसवीर सिंह है, वो कुछ पिछले साल 2020 में दिवाली से पहले मेरे यहाँ उसने मैसेज किया कि माई जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मैं कहा बेटा आप कहाँ से बोल रहे हो? कि मैं यहीं से हूँ त्रियुड़ पिंड से, और मैं आपके पास नौकरी, मैं पहले नौकरी करती थी, जॉब करती थी पटियाला में, और मैं अब किन्नरों में रहना चाहती हूँ, मैं एक किन्नर हूँ। हमने उसको कहा आप आना बेटा मिलना मुझसे, वो आके मिली, उसके बोल चाल से, पढ़ा लिखा बच्चा, उसके बोल चाल से हमें प्यारा है, मैं कोई नहीं बेटा आप यही रहोगे डेरे में। वो बोली नहीं, मेरी दादी है जो कि मिल्क पिंड में रहती है, और मेरे फादर नहीं है, और मैं रोज आऊंगी रोज जाऊंगी। 2-3-4 महीने ऐसे ही चलता रहा, वो आती रही चलती रही। कुछ दिनों बाद उसने बोला कि दादी जी जैसे आपको राजेश मलिक ने और ज्योति ने आपको जिस केस में लिंग परिवर्तन के केस में जेल कराई है, ऐसे मैं उन लोगों को भी करवा सकती हूँ। मैं बोली वो बेटा कैसे, कि मैंने भी लिंग परिवर्तन करा रखा है और मैं उनको फंसा सकती हूँ। मैं कह नहीं बेटा झूठे केस में कैसे फंसा दोगे आप, और ये बातें अच्छी नहीं है। उससे वो चलो बात इग्नोर कर दी मैंने उसकी इस बात को कह के, ऐसे नहीं होगा बेटा आप ये गलत है, पहले बताते मेरे को कि आपने लिंग परिवर्तन कराया है, ट्रांसजेंडर हो, चलो कोई बात नहीं।
जब आप रह रहे हो, इजड़ों के साथ जा रहे हो, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, किसी बंदों के साथ गलत जगह गंदगी नहीं फैला रहे हो, कैसी भी किसी भी किस्म की, वो भी सबूत है हमारे पास उसके, जो वो भी प्रूफ है, तभी उसको मैंने अपने घर से निकाला। तो उससे कुछ दो चार दस दिन के बाद एकदम मेरे पास जजमान मुल्लापुर के वीडियो लेके आते हैं कि ये आपका किन्नर है और हमने इससे संबंध बनाए थे, इंसान है, कहीं भी मर्द होते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, और ये आज हमें ब्लैकमेल कर रहा है और ये आपके आपके किन्नरों में चलता है। मैं बोली पहली बात तो ये किन्नर नहीं है, ये तुम्हारे पिंड का बच्चा है, यदि आपको पहले सोचना चाहिए। उन्होंने नहीं ये बात करी तो मैंने बोला, मैं कहा बेटा ये सब क्या है आपका, ये तो इसकी लड़कों की फोटो है मनीत कुमार की, इसके ऊपर 377 धारा लगाई है, पहले ब्याह किता लुधियाने जमालपुर का ही मुंडा है, ये है मेरे पास आने से पहले के हैं ये सब, ये बुजुर्ग हैं, इनके दादा की डैडी की उम्र के होंगे, और ये मनीत कुमार है जो कि अब ज्योति के लिए कर रहा है, मेरे घायल बच्चों के बयान भी नहीं लिखे उन्होंने। क्या पुलिस ने मारपीट तो की? पुलिस के कौन कौन लोग थे उसके जो आपके घर पे वो कैमरे में है? 10 से लेके 15 तक पुलिस वाले आए थे हमारे घर, लेडीज थी उनके साथ, आई डोंट नो क्योंकि काम वाली थी उनको नहीं इतना पता था, वो हमारे घर में काम करता है वो बच्चा, तो ऐसा कुछ नहीं उसको नहीं पता था ये कहाँ से आए। हम मेरे गुरुजी गैर हाजिर थे, मेरे गुरुजी तो वहाँ पर थे ही नहीं, मेरे गुरुजी लाडवा क्षेत्र बैठे थे, हम बधाई पे गए हुए थे, ये भी नहीं बताया, ये बोल के गए जाते टाइम के बलौंगी इसमें सनी क्लेव की चौकी में आ जाना आपको। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।